खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराते हुए सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के 122 और मिशेल मार्श के नॉट आउट 102 रनों की तूफानी पारी के दम पर निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए। टीम इंडिया को जीत के लिए 331 रन बनाने थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद मजबूत रही। धवन और रोहित ने पहले विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी की। कमाल की फॉर्म में चल रहे धवन को 78 रन पर होस्टिंग्स ने अपना शिकार बनाया। धवन कैच आउट हुए। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और महज 8 रन बनाकर होस्टिंग्स की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक से चूक गए। वो 99 के स्कोर पर होस्टिंग्स का शिकार बने। इसके बाद मनीष पांडे ने कप्तान धोनी के साथ मोर्चा संभाला। दोनों खिलाड़ी सूझबूझ से खेलते हुए मैच को अंतिम ओवर तक ले गए। अंतिम ओवर में भारत को 13 रन की जरूरत थी। धोनी ने दूसरे गेंद पर छक्का जड़कर इसे और आसान कर दिया। तीसरी गेंद पर माही वार्नर के हाथों कैच आउट हो गए, लेकिन अगली गेंद पर मनीष पांडे ने चौका जड़कर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया और टीम इंडिया की जीत भी तकरीबन सुनिश्चित कर दी। और अगली ही गेंद पर पांडे ने 2 रन लेकर भारत को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की। मनीष पांडे मैन ऑफ द मैच बने, जबकि रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।